लोकसभा चुनाव के लिए सपा अभी तक अपने कैंडिडेट्स की 5 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 42 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर है वो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव फिलहाल करहल से विधायक हैं, लेकिन चर्चा है कि फिर से अखिलेश लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। अखिलेश इससे पहले साल 2000 में कन्नौज से और साल 2019 से 2022 तक आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। बाद में आजमगढ़ से इस्तीफा देकर करहल से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। फिलहाल अखिलेश करहल से विधायक हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश फिर से कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि सपा की ओर से इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इस बात को लेकर तब बल और मिल गया जब समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। अब इसके बाद स्थिति साफ है कि अखिलेश यादव को कन्नौज सीट से सपा चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी ने कन्नौज सीट से सुब्रत पाठक को उम्मीदवार बनाया है। सुब्रत पाठक मौजूदा समय में कन्नौज से सांसद हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो कन्नौज लोकसभा सीट देश की सबसे हॉट सीटों में से एक हो सकती है। इसके अलावा मैनपुरी सीट से डिंपल यादव मैदान में हैं। सपा के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव इस सीट से कभी सांसद थे, अब डिंपल यादव मैदान में हैं। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया गया है। यहां आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। सपा यूपी में INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पहले रालोद भी गठबंधन के साथ थी, लेकिन फिर अलग हो गई। ऐसे में यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। वहीं भदोही लोकसभा सीट टीएमसी प्रत्याशी के लिए छोड़ दी है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा साथ थीं और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। उस समय एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीती थीं। इसमें 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहीं उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने 2 सीटें जीती थीं। बसपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और सपा को 5 सीटों पर। उन चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस बार गठबंधन के चेहरे बदले हुए हैं, अब रिजल्ट में क्या बदलाव आता है ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि शनिवार को पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। यूपी के लोकसभा चुनाव परिणामों के बारे में कहा जाता है कि यहां की सीटें पूरे देश में सरकार बनने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अब चुनाव में क्या होगा ये वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।